नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के MQ-9 रैपर ड्रोन को रूस के SU-27 फाइटर जेट ने काला सागर में गिरा दिया। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का माहौल है। अमेरिका और रूस के बीच डिप्लोमेटिक तनाव तनातनी चल रही है। आसमानी टकराव के बाद अब काला सागर के अंदर यानी उसकी तलहटी में पड़े ड्रोन के मलबे को लेकर आमने सामने हैं। इस बीच अमेरिका ने ड्रोन पर हुए रूसी फाइटर जेट के हमले का वीडियो जारी किया और इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि रूसी फाइटर जेट ने अमेरिका ड्रोन पर कई बार फ्लू डंप किया। इसके बाद से उसके रोटर ने टक्कर मार दी। 14 मार्च 2023 को सुबह दो रूसी SU-27 फाइटर जेट्स अमेरिका जासूसी ड्रोन को काला सागर में मार गिराया। अमेरिका ने कहा है कि ये घटना हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है, वहाँ पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। यूक्रेन के अधिकारियों ने भी अमेरिका की इस बात का समर्थन किया है। कहा, ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर था। ड्रोन काला सागर में मौजूद स्नेक आयरलैंड के दक्षिणी पूर्व में गिरा है। यह द्वीप यूक्रेनी शहर ओडेसा से 35 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन क्रीमियन प्रायद्वीप के पास उड़ रहा था जो कि उसके कब्जे में है। मॉस्को ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसे में उनसे यह एयर स्पेस का इस्तेमाल प्रतिबंधित रखा गया है। दोस्तों, इस के बाद अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस बात की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जो बताएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INN न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें।